जो वही ट्रैक है ना जिसे सफारी कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ ओवर इट्स अ टूर। में मैं हूँ अभी राज नेशनल पार्क में और ये मेरा स्टे है आज का रिसॉर्ट में। इस रिसॉर्ट के बारे में डिटेल मैं आपको कल इसके बाद मैं इस एपिसोड में दूँगा। ये इस वक्त अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और आज है बारे में रेड अलर्ट आ रहा था कि आज बादल फटने के चांसेस हैं उत्तराखंड में और कई जगह पे पहाड़ियों में खतरा था, जिस कारण से मैं जिम कॉर्बेट में मैं कालागढ़ की तरफ जाने वाला था, एक कालागढ़ छोड़ के मैं फिर राजाजी की तरफ आ गया था। राजाजी में अभी मेरे पीछे इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये सारा एरिया देख रहे हैं, इधर तो खेती है, इस तरफ भी खेती है, लेकिन ये सारे शुगर केन के प्लांट्स हैं और यहाँ पर लेपर्ड से खतरा बहुत ज़्यादा है। लेपर्ड से खतरा बोले या लेपर्ड की आबादी बोले इस जगह पर बहुत ज़्यादा है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस तरफ, ये मेरे रिजॉर्ट का गेट है और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मेरा कमरा है और इसके बाद एक स्विमिंग पूल है और इसके बाद फिर इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब शुगर केन के खेत हैं। और इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो इधर भी खेती है और सामने की तरफ वो जो है वो पूरा राजाजी नेशनल पार्क है, झिलमिल झील वाइल्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो सारा ये एरिया है। तो ये सारे एरिया में लेपर्ड्स कहीं भी आ सकते हैं, इनफैक्ट लेपर्ड यहाँ पे आ सकता है, मेरे कमरे के बाहर आके बैठ सकता है क्योंकि कोई फेंसिंग करके कुछ नहीं है और इसको जंप करना लेपर्ड के लिए कुछ भी नहीं, इनफैक्ट टाइगर के लिए भी कुछ नहीं है। और अभी हो रही है ख़तरनाक बारिश मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे कल सुबह 5:30 से 6 बजे मैंने लास्ट टाइम थोड़ा बोला था मैं तो डिफरेंट करने वाला हूँ, तो डिफरेंट करने के लिए मुझे निकलना है और अगर ऐसी ख़तरनाक बारिश होती रही तो मैं निकल नहीं पाऊँगा। तो अभी देखते हैं अभी रात में क्या चला। ऐसे तो मैं सोने जा रहा था लेकिन मैंने देखा कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो मैं एक बार रिकॉर्ड करने निकल गया और वाकई में बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ऊपर से आवाज़ भी आ रहा है और ये काफ़ी देर से हो रही है। तो आगे कैसा क्या ट्रैक रहेगा, कैसा रास्ता रहेगा, वो भी मुझे देखना होगा। तो फिलहाल तो थोड़ी देर सोने की कोशिश करता हूँ और इसके बाद वाले जो भी आपके पास व्यू आता है, जो भी आप क्लिप देखते हैं, अगर रात में कुछ अनयूजुअल सा हुआ तो वो आप देखेंगे, अदरवाइज में आपको फिर सुबह मिलेगा। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उस समय रात हो रहा था, आधी रात हो रही थी और बारिश हो रही थी। फिर मैंने अगला क्लिप मैंने बताया था सुबह का दिखाऊंगा मैं आपको, वो सुबह 6 बजे का था। सुबह 6 बजे भी उसी तरह की तगड़ी बारिश हो रही थी। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अभी बारिश थमा है और अब मैं निकल रहा हूँ जंगल के लिए। जंगल में मैं आज जो जाने वाला हूँ, मैं आपको ध्यान होगा कि मैंने हमेशा ट्रैवल किया या तो जिप्सी से या अपनी कार से या फिर थोड़ी दूर के लिए मैं पैदल भी चला हूँ कभी कभी। आज पूरे जंगल में, जंगल के अंदर मैं बाइक से जाने वाला हूँ क्योंकि जिप्सी या कार अलाउ नहीं है और सड़क की वैसी हालत नहीं है कि मैं सड़क मार्ग से जा सकूँ। पैदल जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैदल अगर जाऊँगा तो ज़्यादा लंबा कवर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं बाइक से जा रहा हूँ। देखते हैं ये जर्नी कैसी होती है। अभी कार से जा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये सामने वाली जो सड़क है ना, ये जो टूटी सी सड़क जो है, ये वाली सड़क पे यार एक मुर्गी बहुत है। अभी ये देखो काफ़ी सारे मुर्गी हैं। और भाई गाड़ी में नीचे मत आना, नीचे मत आना, नीचे मत आना। ठीक है।
है। तो मैं ये बता रहा था कि अभी ना मैं मतलब गाड़ी से जा रहा हूँ, ये जो सड़क है, ये जो टूटी हुई जो सड़क है, इसमें आगे बहुत खराब है रास्ता। और कल रात भर जो बारिश हुई है ना, तो पूरा ऐसा पानी भर गया है। तो वो बाइक से अभिषेक जी आ नहीं पा रहे, तो मैं आगे ले आके गाड़ी पार्क कर दूंगा और बाइक में उनके साथ बैठ जाऊंगा और फिर जाएंगे हम लोग ये वाले जंगल पे। ये वाले जंगल में ये जो जंगल आपको दिख रहा है ना, इधर इस जंगल के अंदर जाने वाले हैं। देखते हैं। अभी हम लोग वॉच टावर पे जा रहे हैं और वॉच टावर से देखेंगे पूरे इस जंगल को। हो सकता है कहीं से हमें हाथी दिख जाए या कोई सा एनिमल कहाँ पे दिख रहा है या उसकी कॉल कहाँ लगी। यार काफ़ी कीचड़ और स्लिपरी हो गया, ये सीढ़ियाँ सी बनी हुई है यहाँ पे। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ लेकिन अभी बरसात के कारण ना ये बहुत स्लिपरी हो गया है। मैं बता रहा था कि ये रहा वॉच टावर, इस पर चढ़ के एक बार देखेंगे कि यहाँ से क्या दिख रहा है, कहाँ पे है, और उसके अकॉर्डिंग पर उधर ही चलेंगे। चले ऊपर। इस वॉच टावर को तो आज तक नहीं गिराया, लेकिन उस साइड एक वॉच टावर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे व्हाइट व्हाइट सा यूकेलिप्टस जो है आप। अच्छा, बिल्कुल आगे। हाँ, दिख रहा हूँ मैं, हल्का सा दिखाई दे रहा है। हाँ। उस वॉच टावर को तो कम से कम दो तीन बार एलिफेंट ने नीचे गिराया है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन उसके बाद वन विभाग ने क्या काम किया, जो कांटीले वाले तार होते हैं, कांटीले तार लगा कवर कर दिया है। हाँ, सारे कोई एनिमल से नहीं लगता जल्दी से। जिम कॉर्बेट में भी सारी जगह पे ना कांटीले तार लगे हुए। कुछ दिखा ऊपर से, कोई लोकेशन दिख रही है? पानी तो उधर काफी दिख रहा है, उधर नदी में उधर गंगा जी का पानी आ रहा है। अच्छा, लेकिन अभी वेटलैंड एरिया में कोई ऐसा एनिमल्स नहीं है जो साइट हो जाए। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे, दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग अंदर जाएंगे अभी। हाँ जी, चलो। जो वही ट्रैक है ना जिसे सफारी करते हैं, I'm sorry.
एक जगह नहीं रुकता ना टाइगर। अच्छा अच्छा, कोई भी नहीं, मैं उसको एक जगह रुकेगा। हाँ, अभी कहाँ लास्ट कहाँ किल किया? आगे आगे वो जो लेपर्ड का वीडियो आपने भेजा था, वो लेपर्ड कहाँ पे था? यहीं पे। कल रात को अगर बारिश नहीं हुई होती ना, सामने लोग चल रहे हैं। कौन है ये लोग, क्या है? दो दिन के अंदर पीछे ये रवासा नदी है और मैं अभी झिलमिल झील फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व में ही हूँ। अभी आपने फोन से जो फुटेजेस देखे थे वो उस जगह का था जहाँ पे सफारी होती है सफारी के टाइम में, लेकिन मानसून में अभी सफारी बंद है। हम लोगों ने एक बार ट्रैक किया लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, पूरा वीडियो नहीं डालूंगा। अगर कोई एनिमल हमें दिखता, साइटिंग होती तो मैं दिखाता, लेकिन बहुत अंदर हम लोग गए भी नहीं, थोड़ा सा अंदर जाके फिर वापस हम लोग निकल गए, क्योंकि अभी वो किसी भी तरह का मैं रूल ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ कि मैं सफारी ट्रैक पे ही चला जाऊँ। हालांकि जंगल के अंदर ज़रूर जा रहे हैं हम लोग, जंगल के अंदर अभी भी जाएंगे, लेकिन सफारी ट्रैक पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैं इसके गेट के अंदर चले गया हूँ, वहाँ से अंदर घूम रहे हैं सफारी वाली जगह पे। एनिमल साइटिंग अंदर जितनी नहीं हो रही उतनी बाहर हो रही है, और जितनी बाहर हो रही है उतनी अंदर हो रही है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से वापस से जंगल के अंदर घुसने वाले हैं किसी और लोकेशन पे, अदर देन सफारी ट्रैक्स।